किसान आंदोलन के चलते जहां दिल्ली सीमा पर पिछले 23 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं, हमारे साथ खेल मंत्री संदीप सिंह हैं। इनसे जानेंगे, क्योंकि ये भी ऐसे क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं जहां एक तरह से किसानियत तो वहां पर एक तरह से मुख्य पेशा है लोगों का पेहवा से, और इनसे जानेंगे जो एक तरह से मोदी सरकार ने बदलाव किया है उसका इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बदलाव हमेशा जो है वो अच्छाई के लिए होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग हो। आज कृषि के ऊपर है, पहले एजुकेशन के भी ऊपर हुआ, खेल के ऊपर भी होता है, तो ये बदलाव जो है हमेशा फायदा करता है। आज विरोध हो रहा है, इतिहास गवाह है, जब कोई चीज़ अच्छी होने लगती है तो उसका जो विरोधी हैं, जो शरारती तत्व तो कह सकता हूँ मैं, वो कहीं ना कहीं उखलाते हैं। और किसान हमारे भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो ईमानदार और बहुत मेहनती होते हैं, वो उनको मुझे लगता है कि उनको समझ थोड़ी देर में आएगी, लेकिन डेफिनेटली ये उनके फायदे के लिए है और उनकी आय बढ़ाने के लिए। तो और भी क्षेत्र हैं जहां मोदी सरकार ने काफ़ी अहम बदलाव किए हैं, खेल क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में? जी हाँ, खेल क्षेत्र में भी गया। आज की अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगातार मैं एक साल से ऊपर हो गया है मंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने को, खेल मंत्री बने को, तो यहाँ पर हमने एक के बाद एक बदलाव ला रहे हैं। और हमेशा बदलाव अच्छाई के लिए होता है, और वो भी समय के साथ बदलना पड़ता है। पहले लोग घोड़ा गाड़ी में या रेड़े पर गांव से दूसरे गांव जाते थे, आजकल बस चलती है, गाड़ियां हैं, कार हैं। बदलाव आया है तो अच्छाई के लिए आया है, ये भी अच्छाई के लिए आया है। आपको उम्मीद है कि बदलाव की समझ आएगी किसानों को, जो एक तरह से विरोध हो रहा है? समय है, समय के साथ सब चीज़ें समझ लोग जाते हैं, और कभी कभी एकदम से कोई इंसान नहीं समझता। मैं किसान भाइयों को, किसान बुजुर्गों को रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको गहराई में समझने की कोशिश करें। अगर इनके पास कुछ ऐसा है कि ये चाहते हैं कि इसमें बदलाव आ जाए और थोड़ा कुछ अमेंडमेंट हो जाए, तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। तो टेबल पर बैठकर बात करें तो डेफिनेटली इसका जो भी है हल निकलेगा, लेकिन बैठने से हल निकलेगा। तो खेल मंत्री संदीप सिंह का कहना है कि बदलाव का विरोध अक्सर होता है और वही हो रहा है, किसानों को एक तरह से समझ आएगी लेकिन देर से आएगी, और जो मोदी सरकार कई क्षेत्रों में बदलाव कर रही है उसी एक तरह से कड़ी में, जो खेती में जो बदलाव किया जा रहा है उसका जो विरोध देखने को मिल रहा है। रणदीप रोड, पंजाब केसरी।